क्या कहा है तुमने आलिया भाभी और तौकीर भाई से? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। पर झूठ मत बोलो, क्या तुमने उनसे ये नहीं कहा कि जब तक मैं घर अलग नहीं करता तुम घर वापस नहीं आओगी? मैंने अपना हक मांगा है, कोई गलत बात तो नहीं है, इसमें क्या हर्ज है? उनकी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है फलक, वो मेरे माँ बाप की जगह है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा? तो बात ये है कि हमने उन्हें खाली हाथ भेजा तो उनकी इंसल्ट हो गई। जानती थी मैं कि आलिया भाभी घर जाके एक की दस बताएंगी, मगर ये अंदाजा नहीं था मुझे कि आपको इतना बड़ा चढ़ा कर भेजेंगी। फलक, आहिस्ता बोले कबीर, ये मेरा घर है। ये घर है तुम्हारा, ये घर है तुम्हारा। क्या बताया तुमने अपने इन घर वालों को कि उस घर में तुम पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां होती है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो तो मामा ने अपने तौर पर उनसे बातें की थी। ठीक है, फिर तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलोगी और आलिया भाभी और तौकीर भाई से माफी मांगोगी। आई एम सॉरी कबीर, मैं कहीं नहीं जा रही, पर वहां जाकर उन लोगों से माफी मांग सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच लो। सोच लिया मैंने, सोच समझ कर बात करी। वैसे भी एक दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने शौहर या करियर में से किसी एक को चूज करूं, तो आप सोच लें, मैं, हमारा बच्चा या फिर तौकीर भाई या आलिया भाभी, किसको चूज करेंगे आप? क्या तुम पागल हो गई हो फलक? वो फैमिली है मेरी जैसे तुम मेरी फैमिली हो, और रिश्तों और करियर का कोई कंपैरिजन नहीं होता, रिश्ते करियर से कहीं बढ़कर होते हैं। बस कर दे कबीर, आलिया भाभी की जुबान मत बोले। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आलिया भाभी को मेरे काम करने से तकलीफ है, आपको तो कोई मसला नहीं था। वो आपको बढ़ाती चढ़ाती रहती है ना, बातें सुनाती रहती है, आपके कान भरती रहती है, वो मुझे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। मुझे तो डर है कबीर कि कल को वो मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा देंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे। दूर हटो मेरी बेटी से।